राम राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरा 9 मंथ का 15वां दिन स्टार्ट हो चुका है, मतलब 8.5 महीने पूरे हो चुके हैं। सावन का चौथा सोमवार है, सभी को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, और भी मंदिर से आई थी। मैं मंदिर का वीडियो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इस टाइम पे मंदिर पे। सोमवार के दिन काफ़ी भीड़ रहती है और आप समझ सकते हो मेरी ऐसी हालत में, मैं मुझे नहीं अच्छा लगता है बनाना, और कोई देखे भी तो क्या कहेगा, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे माला कर रही हूँ, अभी जल चढ़ा के आई थी, और उसके बाद फिर मैंने घर पे माला नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलो मैं घर पे अब माला कर लेती हूँ। तो मैं ये माला जब पूजा पाठ डेली ही करती हूँ, 20 से 30 मिनट तो मैं अपने मतलब भगवान जी के लिए निकालती हूँ। 10 20 से 30 मिनट ही मैं अपनी एक्सरसाइज सुबह की होती है उसके लिए निकालती हूँ। तो ऐसे सुबह का टाइम मेरा निकल जाता है। और आप बताइएगा, महिला जो भी प्रेग्नेंट हैं अगस्त में, किस किस की डिलीवरी है? मेरी तो अगस्त में ही है, लास्ट डेट है 28 तारीख। तो बस उसके बाद हमने पूजा किया, और इसके बाद हमने ना, मेरा भी आज व्रत है, तो ये ना खजूर हैं, आप ना इन्हें आप वैसे भी खा सकते हो, धो के या आप दूध में उबाल के भी खा सकते हो। और देखिए कितनी गंदगी ने निकलती है इनमें, धो के हमेशा इनको खाना चाहिए। तो मैं इनको ना दूध में डाल के उबाल के इस तरीके से मैं खाती हूँ। 9 मंथ में खाना भी चाहिए। हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है और 15 दिन भी हो चुके हैं, 8.5 महीने हो चुके हैं। और अभी इस महीने में कौन सी परेशानी होती है ये मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ ना हो। अगर आपके साथ होता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। तो बता दूँ, मेरी कमर में और बहुत ना ईचिंग हो गई है, और पैर में भी बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है नस की वजह से। तो कहते हैं कि किसी किसी बच्चे के टाइम पे होता है ये, और तो मुझे हो रहा है। मेरी 2 बेटियां हैं, 3री प्रेगनेंसी है, तो सावन का सोमवार आज है चौथा, और 5वां सोमवार आएगा तब तक तो रक्षाबंधन भी आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि उससे पहले मेरी डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि अभी डिलीवरी डेट मुझे अभी मिली भी नहीं है। वैसे तो मेरे हिसाब से है 28 दिसंबर, 28 अगस्त है लास्ट। तो देखते हैं कब तक हमारा न्यू बेबी आता है इस दुनिया में। तो जो भी महिलाएं, अगर आपके साथ कोई भी परेशानी होती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। मैं भी दिखा रही हूँ अपने डॉक्टर के ही, और लेकिन ये थोड़ी सी हो गई है मुझे, अभी ईचिंग 2 दिन से लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी। तो मेरा ब्लॉग सुबह से आज बना नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम है और ऐसी हालत में मैं नहीं बना पा रही हूँ वीडियो। और कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा कमेंट भी आते हैं कि आपकी नाभि बाहर है या अंदर है, तो ये भी मैं बता देती हूँ, मेरी नाभि जो है वो बाहर की तरफ है। और ये ना 8 महीने से मतलब दिखने लगी थी मुझे, 8 महीने से पता चल जाता है कि आपकी नाभि बाहर है या अंदर है। जो डार्क लाइन बनती है ना, उससे भी ये पता लगा सकते हैं आपके बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, नाभि के हिसाब से भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी मेरे घर में तो ना मेरी बहन को बेबी बॉय हुआ है, ना मुझे भी हुआ है, तो अभी देखते हैं इस बार क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरी नाभि बाहर है, उससे क्या आपको पता चलेगा क्या होगा। और इतना ज़्यादा मतलब बारिश हो रही कल से कि घर में ही सारे कपड़े हमको सुखाने पड़े हैं, और कल मैं धो के डाले थे इतनी मुश्किल से, और पूरे दिन बारिश हुई थी ऐसे रिमझिम रिमझिम रिमझिम। उस वजह से तो फिर मैंने घर में ही आज सुखवा लिए थे, मेरे हस्बैंड की सहायता लेके उन्होंने मेरी हेल्प कर दी, फिर हमने घर में इनको सुखा दिया अच्छी तरीके से। मैंने कहा 1 दिन नहीं 2 दिन में तो सूख ही जाएंगे। तो मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, वैसे भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे ना चैनल को अगस्त में 20 अगस्त को हो जाएंगे 2 साल, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा चैनल चल जाए। और आपको प्रेगनेंसी के रिलेटेड कुछ बातें जो मुझे आती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको भी कोई परेशान मतलब कोई भी जानकारी हो, ऐसी ईचिंग होती है कमर में, अगर कोई इलाज हो मतलब घरेलू हो तो वो बताइएगा मुझे,
क्योंकि मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम पे लास्ट टाइम पे दवाइयाँ ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छी नहीं है, बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा दवाइयाँ तो खा नहीं रही हूँ। बस मेरी लीवर की दवाइयाँ चल रही हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। आप लोग नहीं करते हो, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए करिएगा दी आपका कैसा वीडियो है, अच्छा या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर बताइएगा अगर आपके पास कोई भी इलाज हो तो, क्या इचिंग आ जाती है कमर में पैर में, तो कुछ घरेलू क्या कर सकते हैं उपाय वो बताइएगा मुझे कमेंट में। तो चलिए मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करूँगी एक अच्छा सा वीडियो लेके आऊँ आपके लिए कल। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ कल।